पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में हमने डिस्कस किया कि लाइट अपने दो फिनोमिना शो करती है रिफ्लेक्शन और रिफ्लैक्शन आज हम लोग इनमें से एक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इससे समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सवाल का जवाब पता होना चाहिए वॉट विल हैपन वेन लाइट विल फॉल ऑन अ सरफेस तब क्या होगा जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी वेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस these सिचुएशन में अराइज वेन लाइट रेज फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मे एब्जॉर्ब ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट द लाइट जब भी लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर गिरती हैं या तो वो उसे एब्जॉर्ब करती हैं या ट्रांसमिट करती है या रिफ्लेक्ट करती है अब इन तीनों का मतलब समझते हैं एब्सॉर्ब इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट इट विल अपीयर परफेक्टली ब्लैक फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड जैसे आपने देखा होगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो सारी लाइट क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है मोस्ट ऑफ द लाइट इज एब्सॉर्ब एंड वेरी लिटिल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक तो दिस इज़ ऑफ़ लाइट लाइट या रेस का एब्जॉर्ब होना अगर हम ट्रांसमिट की बात करें तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट लाइट इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ट्रांसमिट करता है तो वो पूरी तरीके से लाइट रेस को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होना फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड जैसे विंडोज के जो ग्लासेस होते हैं या फिर जैसे प्लेन शीट्स होती हैं जिनके अंदर से लाइट पूरी तरीके से साफ हो जाती है या जा ट्रांसपेरेंट जो भी चीजें होती हैं क्योंकि हमें कंप्लीटली पूरा अच्छे से विजिबल होता है आगे पीछे दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट लाइट जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसमिट होती है इसी कारण से हमें ट्रांसपेरेंट चीजों के अंदर सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है रिफ्लेक्ट अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्ट की तो रिफ्लेक्ट क्या होता है फ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाउंसेज बैक अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के बाउंस बैक हो जाए ड्यू टू इट्स शाइन दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है तो वो लाइट फॉल बैक होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मिरर हमें मिरर में अपने आप को देखने को कैसे मिलता है वो इसी चीज के कारण मिलता है क्योंकि लाइट रेस जो है उस मिरर से टकरा के बाउंस बैक होती है हमारी तरह फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेस विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब जैसे कि आप देख सकते हैं ए ऑब्जेक्ट की पोजिशन है लाइट रेज जो है वो मिरर के ऊपर आ रही है तो मिरर के अंदर से रिफ्लेक्शन हमें बी पे दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस ऐसा नहीं है कि अनपॉलिश्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकते लेकिन शाइनी सरफेस में अनपॉलिश्ड uh, सरफेस के मुकाबले ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट सिल्वर मेटल जो है वो लाइट का वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स है दिस इज द वेरी रीजन कि हमारे जो मिरर हैं उनके ऊपर हम पहले सिल्वर कोटिंग करवाते हैं ताकि वो शाइन जो है वो ज्यादा रहे और ज्यादा टाइम तक रहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन जो है इसके कुछ लॉज होते हैं यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होगी तो वो ये रूल्स तो फॉलो करेगी ही करेगी देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल ऑफ दम लाए ऑन द सेम प्लेन इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सारी चीजें एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगी बाय वन प्लेन सिंगल प्लेन वी मीन की एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में लाई करेंगे एक ही सीरीज में लाई करेंगी अब ये जो टर्म्स हमने इस्तेमाल की एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इन सब के मतलब क्या होते हैं एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे वो रे लाइट की जो सरफेस के ऊपर गिर रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे द इंसिडेंट रे बाउंसिंग बैक इंटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग रे जब वो इंसिडेंट रे उस सरफेस को स्ट्राइक करती है तो जो रे बाउंस बैक करती है उसी सरफेस से दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्टेड रे बाउंस ऑफ ये वो पॉइंट है जहां इंसिडेंट रे जो है वो स्टार्ट होती है यानी कि स्ट्राइक करती है और ये वो ही पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करती है नाउ नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है इट इज अ लाइन गिवन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब इंसिडेंट रे कितना एंगल पे आके गिर रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना एंगल पे जा रहा है तो ये हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जैसा कि मैंने अभी बताया नॉर्मल जो है हमें पता लगाने में मदद करता है कि कितने एंगल पे एंगल इंसिडेंट हुआ है और रिफ्लेक्ट हुआ है तो नॉर्मल और इंसीडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अब ये जो रिफ्लेक्शन है वो क्या सिर्फ रेग्यूलर या शाइनी सर्फेसिस नहीं ऐसा नहीं है इरेग्यूलर और डल सर्फेस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है और रिफ्लेक्शन होता है बट दोनों में जरा सा फर्क होता है क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें इफ पैरल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड सच दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सोर एज शाइनी सरफेस एंड सच रिफ्लैक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर इंसिडेंट रेज जो है वो पैरल स्ट्राइक कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को या सरफेस को और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरल स्ट्राइक हो दैट फिन इज नोन एज रेग्युलर रिफ्लेक्शन अगर हम इरेग्यूलर रिफ्लेक्शन की बात करें इफ

रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इट अकर्स ओनली इफ रेज फॉलिंग ऑन हाईली स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर ये तभी पॉसिबल है जब जो रेज है वो एकदम स्मूथ और पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरे दैट इज प्लेन मिरर और अगर हम इेग्युलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये तब पॉसिबल है जब इरेग्युलर सरफेस या डल सरफेस के ऊपर आके ये गिरे इट अकर्स इफ द रेज फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस शन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्यों इसी की वजह से हमें अपने आस पास की चीजें थिंग्स अराउंड को मिलती है अब हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन से जुड़े कुछ जरूरी टर्म्स को भी समझा और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी अब रिफ्लेक्शन से ही जुड़ी दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले एनीथिंग व्हिच विच गिव्स आउट लाइट इधर ऑन इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। इट इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऐसी कोई भी चीज जो लाइट रेज देती है या तो अपनी खुद की या तो अपने आप से रिफ्लेक्ट करा के इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट इसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है अब ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ ऑफ़ टू टाइप्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स अब ये दोनों क्या है एक बार इन्हें समझ लेते हैं अब हम लोग बात करते हैं इमेज की वॉट इज एन इमेज इमेज इज एन ऑप्टिकल अपियरेंस प्रोड्यूस्ड वन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कि लाइट रेज के द्वारा बनता है जब वो किसी मिरर के ऊपर फॉल करते हैं जब वो किसी लेंस के ऊपर फॉल करते हैं अब ये दो तरीके के हो सकते हैं सबसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें जब हम अपने आपको मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर में क्या दिखाई देता है हमें हमारी इमेज दिखाई देती है हमें हमारी छवि दिखाई देती है सो दैट इज एन एग्जाम्पल और दूसरी तरीके की इमेज कौन सी होती है जैसे हम लोग अगर सिनेमा हॉल्स में गए या थिएटर्स में गए तो जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो आर्टिस्ट दिखाई देते हैं या जब हम टीवी स्क्रीन देख रहे होते हैं तो टीवी स्क्रीन के अंदर हमें जो दिखाई दे रहा होता है वो भी एक इमेज होती है लेकिन क्या ये दोनों इमेज जो हैं ये एक ही तरीके की हैं? एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज रियल इमेज कौन सी होती है इमेज दैट कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन या इमेज फॉर्मड ऑन रेटिना ऑफ द आई दैट इज रियल इमेज रियल इमेज कौन सी होती है जो हम स्क्रीन पे ऑप्टेन कर पाते हैं ये कब बनती है जब लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन है या इवन जो हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है That is also real image. अगर हम लोग बात करें वर्चुअल इमेज की इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज वो इमेज जिसे हम स्क्रीन के ऊपर ऑप्टेन नहीं कर सकते इट इज फॉर्म्ड वेन लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होने के बाद जब लाइट रेज आपस में नहीं मिलती बट डाइवर्ज हो जाती है मिरर से उसे बोला जाता है वर्चुअल इमेज जेस आर ऑलवेज इरेक्ट ये हमेशा इरेक्ट रहती है इनवर्टेड यानी कि उल्टी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर के अंदर से जो इमेज हमें दिखाई देती है दैट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर प्लेन मिरर के अंदर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है द इमेज इज इरेक्ट ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर के सामने जो इमेज फॉर्म होती है उसकी प्लेन मिरर के सामने अब जैसे हम लोग कभी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हों तो हम क्या क्या देख सकते हैं क्या हम उल्टे दिखाई देते हैं या सीधे दिखाई देते हैं अगर हम उल्टे दिखाई देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी इन्वर्टेड होती लेकिन हम सीधे दिखाई देते हैं तो दैट इज इरेक्ट क्या हम मिरर से छोटे मतलब कि एक्चुअल साइज से छोटे या बड़े दिखते हैं मिरर के सामने नहीं हम जैसे हैं जिस साइज में हैं वैसे ही दिखाई देते हैं ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज uh, प्रोट्रे होता है अपीयर्स टू बी सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट उतने ही डिस्टेंस पे दिखाई देता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसा नहीं है कि मैं मिरर से थोड़ा सा ही दूर खड़ा हूं लेकिन मिरर के अंदर मैं ज्यादा दूर बता रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर मैं मिरर से मान लो दो सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हूं ऐसा नहीं है कि मिरर के अंदर मैं अपने आप को 4 सेंटीमीटर दूर देखूं वर्चुअल व्हाट इज वर्चुअल वर्चुअल मतलब क्या है वो इमेज रियल नहीं है वो किसी चीज के ऊपर ऑप्टेन उट, हो रही है किसी एक मीडियम के ऊपर ऑप्टेन हो रही है तो दैट इज अ वर्चुअल इमेज लेटरली इनवर्टेड अब लेटरली इन्वर्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है इसे थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है लेटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड राइट अपियर्स टू बी लेफ्ट ये वो फिनोमिना है जिसमें लेफ्ट जो हैंड है हमारा वो हमें राइट right साइड में दिखाई देगा राइट right जो हैंड है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा मिरर में बाकी इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी इरेक्ट मिलेगी सेम साइज मिलेगी सेम डिस्टेंस मिलेगी लेकिन मिलेगी इट इज ड्यू टू डायरेक्शन दैट लाइट फॉलोज वेन इट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरली अ मिरर अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है लाइट रेस के डायरेक्शन के कारण जब वो उस ऑब्जेक्ट पे उस शाइनी सरफेस पे गिर रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर प्लेन मिरर के अंदर से बनने वाली इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल दैट इज इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन ये इमेज वर्चुअल होती है यानी कि हम इसे स्क्रीन पे ऑप्टेन तो नहीं कर सकते इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो इरेक्ट होती है द सेम साइज इज अपन है अपवर्ड है तो अपवर्ड ही रहेगी इमेज इन अ प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस साइज का ऑब्जेक्ट उसी साइज की इमेज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज़ वे रिवर्स्ड ये लैटरली इनवर्ड होती है और साइड वे रिवर्स्ड होती है यूज ऑफ प्लेन मिरर प्लेन मिरर कहां कहा इस्तेमाल में लिया जाता है या लिया जा सकता है दे आर यूज एज लुकिंग ग्लासेस यानी कि वो कांच जिसके अंदर से हम देख सकते हैं दे आर यूज इन सोलर कुकर सोलर कुकर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है दे आर ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्टिंग पेरीस्कोप विच इज यूज इन सबमरीन सबमरीन के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेरीस्कोप के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है दे आर यूज टू मेक कैलाइडोस्कोप अ टॉय विच प्रोड्यूस ब्यूटिफुल पैटर्न कैलाइडोस्कोप बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है एक छोटा सा टॉय होता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं एंड एट लास्ट इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ये बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी यूज में आता है या काम में लिया जाता है